मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये पनीर ले लिया, आधा किलो के करीब होगा। और ये शिमला मिर्च ली है, एक गाजर ली है, दो शिमला मिर्च है, एक प्याज है, प्याज है और पनीर कोई काट के बना लो बाकी उसी का डाल लेना। तो ये है ग्रेवी के लिए लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च, और ये है टमाटो प्यूरी। इसमें मैंने 5 टमाटर लिए थे। बनाती हैं कढ़ाई पनीर। देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा कट चुका है। ये देखिए, देखिए वेजिटेबल इनकी चॉप हो चुकी है। ये देखिए गाजर प्याज शिमला मिर्च इन्होंने चॉप कर लिया, ऑनियन मिक्सी में कर लिया था। सेम कीता है जी, हमने जीरा ऐड कर दिया कढ़ाई में, और ये जो प्याज हमने पीसा था वो डाल देंगे। इसमें हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट बना लिया था, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो मसाले हमारे सेम होंगे डेली वाले, तो बस इसमें गर्म मसाले ऐड किया है अजीनोमोटो। ये थोड़ा सा हम लोग ना अजीनोमोटो भी डालेंगे, ये रहा अजीनोमोटो, ये भी डालेंगे। ये देखिए मिर्ची भी लंबी रखनी है, तो मुंह में आएगी ना स्पाइसी पन आएगा। अदरक हम बाद में डालेंगे, मसाला हमारा भून जाए तब।
प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये डालेंगे सब्जियाँ। सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी पक जाएंगी ना सब्जी, थोड़ी डीप फ्राई हो जाएंगी ना, जैसे डीप फ्राई नहीं करनी है ये, सॉरी। तो सब्जी हमारी पक जाएगी जस्ट। शैलो फ्राई हो जाएगी ना सब्जी हमारी ये। हमने कवर कर दिया कि थोड़ी सब्जी थोड़ी गल जाए, सब्जी कुक हो जाए थोड़ी सी। फिर इसमें हम डालेंगे मसाले वगैरह, स्पाइसी वगैरह सारे। सब्जी को हम देख लेंगे कि पकी कि नहीं। शिमला मिर्च तो पक जाती है जल्दी, गाजर थोड़ी कम पकती है, वो टाइम लेती है। थोड़ी हल्दी डाल, मिर्ची डाल। इसमें डालेंगे हम लोग स्पाइसी, ये हल्दी डाल देंगे और हम आधा चम्मच के करीब हम निकाल देंगे जी मिर्च। ये डाल देंगे नमक, गरम मसाला ऐड कर देना, हमें बाद में करना गरम मसाला, बाद में ऐड करेंगे। एक पिंच हम लेंगे अजीनोमोटो पेस्ट के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिए थोड़ा सा, एक पिंच से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ग्रेवी आपने जितनी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अदरक ऐड कर दिया इसमें जो हमने रखा था। ज़्यादा थिक नहीं जा रहा है, बाद ग्रेवी ग्रेवी ज़्यादा। इसमें दूध भी डालेंगे फ्रेंड्स, क्रीम डालेंगे थोड़ी सी,
ज़्यादा नहीं डालनी। अगर क्रीम ना हो घर पे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं डाल दूँगी। मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई को थोड़ा फैट करके ना वो भी डाल सकते हैं अगर क्रीम नहीं हो। हाँ जी चाय भी बना लेते हैं। ये देखो चाय का हलक उठा है इनको। हम इतना गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसमें डाला नहीं था ना, इसमें सब कुछ है, जायफल, धनिया पाउडर, लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, जयपत्री, मग, सब कुछ डाला हुआ है। हरी मिर्च भी पाई यार तुसे, धीरिया कई बार मिर्ची तेज होंगी है, काली मिर्च ऐड कर दो, काली मिर्च पी है। अब ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची। काली मिर्च वैसे भी खानी चाहिए, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर सिरका, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये सब्जी हमारी में उबाल आ चुका है। ये सब्जी बनानी बहुत इजी है, सारी सब्जियों से ज़्यादा इजी है ये बनानी, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। क्योंकि सब्जी में हमारी उबाल आ रहा है, थोड़ा एक दो उबाल और आने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे पनीर ऐड कर देंगे। तब तक हम इनको चाय चाहिए तो मैं चाय बना दूंगी इनके लिए। मसाला पाना ज़्यादा तो पा लो, अजकल वैसे भी किया उन्होंने मसाले वगैरह पा के पिया करो चाय। रखनी चाहिए, चीनी डाल दी मैंने इसमें, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो तो मेरी काफ़ी देर से बन रही है लेकिन आप एक साथ फेस टू फेस आप बोल रही हूँ, बिजी थी थोड़ा बनाने में इसीलिए। ये वायरल वगैरह बहुत फैल रहा है, बच के रहिए सब लोग। अब ना हम इसमें ये क्रीम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, हमें इसको चलाते रहना। ये भी फट जाती है नहीं है ना जो ना चलाओ तो। चाह च दुद्ध पा दो ना।
अब हम इसमें कर देंगे ऐड पनीर। इसके लिए ना ये लंबा लंबा पनीर काटना है, ये देखिए ऐसा वाला, ये देखिए ऐसा। चीज़ चिली के लिए थोड़ा चॉर्स, चीज़ टमाटो के लिए ट्रायंगल, कढ़ाई पनीर के लिए लंबा, ऐसे वाले लंबा काट देना। बहुत अच्छी बनती है ये भी सब्जी। पादों की करना है इन्ना किसी काम का नहीं आना, पनीर खा लूंगे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पा दो। वैसे भी मेरे बच्चों को ना पनीर बहुत पसंद है, मैं बहुत कम खाती हूँ। ना चीज़ चिली ने बनाया था ना जो वेजिटेबल डाल के, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डाली थी हमने, मुझे बहुत वो पसंद है। ये देखिए कलरफुल है, ये वाइट है, रेड, गाजर है, ग्रीन ग्रीन, शिमला मिर्च है, अच्छा लग रहा है। ये मेरी चाय बन रही है, चाय पियेंगे हम लोग। सब्जी हमारे में उबाल आ रहा है, ये ऑलमोस्ट बन गई है, चाय को भी उबाल आ रहा है मेरी, सब्जी को भी उबाल आ रहा है, दोनों चीज़ें बन गई हैं मेरी। फ्रेंड्स वायरस जो फैला हुआ है, जो वायरल वगैरह, उससे बच के रहें भाई, अपने आसपास साफ सफाई रखें, बिना हाथ धोए किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, खाने वाली चीज़ों को भी ढक के रखें। चाय खा लो, जिसमें हमने डाल दिए कस्तूरी मेथी, धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सूख चुका इसलिए मैंने फिर वो ऐड नहीं किया, मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर दी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर मेरा बन के रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मुझे बताया कीजिए, आप कमेंट भी नहीं करते, बताया कीजिए मेरी कैसी लगी मेरी रेसिपी कढ़ाई पनीर की। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू अ लॉट।